हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। आज हम आशीष शुक्ला की बात करेंगे। डीप नॉलेज के तहत आशीष शुक्ला आध्यात्मिक विषयों पे काफ़ी चर्चा करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अध्यात्म के मेरे ख्याल जितने भी पहलू हैं, हर पहलू पे कुछ ना कुछ बोलते हैं और बहुत कुछ शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने पढ़ा है और बहुत से लोगों के पास गए भी हैं वो, और खुद ही उन्होंने कहा है बहुत सारे एपिसोड्स में कि मैं यहाँ गया वहाँ गया। और आजकल वो पीजे शहर की किताब है जैन योगा, उसके आधार पे उन्होंने शायद कुछ, जैसा कहते हैं, कुछ साधना की है उन्होंने और करवाते भी हैं, और उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें कहते रहते हैं। तो मैं आज उनका एक दो एपिसोड देख रहा था, और यदि आशीष शुक्ला जी भी सुन रहे हैं तो मेरा उनको नमस्कार। और दर्शकों को मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि योगिक साइंस के हिसाब से, जिस आधार पे हम लोग बात करते हैं, उसके आधार पे वो जो कुछ भी आशीष शुक्ला जी बोल रहे हैं वो कितना वैलिड है, वो उनका अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है उनका, उनकी अपनी रियलाइजेशन है, या वो किसी सिस्टम के आधार पे बोलते हैं या किसी किताब के आधार पे बोलते हैं या किसी को फॉलो करके बोलते हैं, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ कुछ प्रश्न रखूंगा। मैं एक एपिसोड देख रहा था, मृत्यु के बाद क्या होता है, उन्होंने बोला है मृत्यु के बाद क्या होता है, और एक और एपिसोड था उनका कि क्या मृत्यु के बारे में हम निश्चित रूप से कुछ बता सकते हैं कि मृत्यु कब होगी, किस स्थान पे होगी। मेरे दो तीन प्रश्न थे उनसे कि मृत्यु होती क्या है, क्या वो जानते हैं कि मृत्यु क्या होती है, वो तो जीवित हैं, उन्होंने मृत्यु को तो अभी अनुभव किया नहीं है, तो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि मृत्यु ये होती है, और जो कुछ भी कह रहे हैं एपिसोड के अंदर। एक चीज मैंने और नोट किया, वो ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम मॉलिकुलर बॉडी में चले जाते हैं। मॉलिकुलर बॉडी अभी भी है, मगर मृत्यु जैसी होती है तो फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती है, फिजिकल बॉडी से संबंध टूट जाता है और हम मॉलिकुलर बॉडी में आ जाते हैं, यानी साइकिक बॉडी में, जो हमारी साइकिक एग्जिस्टेंस है वो उसमें, उसका उसमें हम आ जाते हैं पूरी तरीके से। और इस मानसिक शरीर का, ये जो मानसिक ढांचा है हमारा, ठीक है, इसका भी एक अपनी दुनिया है, अपना लोक है। तो वो उस एपिसोड में ये बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद उस मानसिक दुनिया में आदमी जाता है, और ऐसी ऐसी मानसिक दुनिया जो स्वप्न की दुनिया है, काल्पनिक दुनिया है, बहुत सारी दुनिया है, वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी ही दुनिया है जैसे यहाँ पर भौतिक जगत में है, वैसे ही मानसिक दुनिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ नदी पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वहाँ भी नदी पहाड़ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे छोटी कुर्सी है वहाँ बड़ी कुर्सी है, इस टाइप से उन्होंने बताया। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि ये सब सारी चीज़ें क्या उनका अपना अनुभव है, वो क्या देख के आए हैं, या किसी और ने देखा है, उसका उसको वो फॉलो करके, उसको सुन के फिर बोल रहे हैं। और सच बताऊँ तो मुझे ये सब सारी चीज़ें, यदि हम तत्वतः बात करें, सिस्टम से बात करें, किसी ग्रंथों के आधार पर नहीं, किसी आदमी के आधार पर नहीं, यदि हम सिस्टम को समझ के, तत्वों को समझ के उसके आधार पर बात करें, फिर तो कुछ बात जो सत्य बात, जो यथार्थ है, वो सामने आती है। यदि हम वैसी फैंसीफुल रोमांटिक बातें करें हर चीज़ के बारे में कि मौत के बाद ये होता है, हाँ मौत निश्चित है, व्यक्ति ये जान सकता है कि मौत कब होगी, किस स्थान पे होगी, ऐसे तो हर चीज़ निश्चित है, मौत ही क्या, जिंदगी भी निश्चित है। आज हम, मैं इस एपिसोड में बोल रहा हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं आशीष शुक्ला जी, डीप नॉलेज जो उनका है, और आशीष शुक्ला जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी निश्चित है, हर चीज़ एक एक क्षण निश्चित है, तो मौत क्या कुछ अलग तो है नहीं, मौत भी इसी का हिस्सा है, तो ऐसे तो हर चीज़ निश्चित है। मगर जो कुछ भी हम मौत के बारे में बोल रहे हैं, मौत के बाद क्या होगा, आदमी का
आदमी कहाँ पे जाएगा। पहली बात तो इन सब सारी चीज़ों को मैं योगिक साइंस के हिसाब से हम बात करना चाहते हैं, और हम जो मूल तत्व हैं प्रकृति के कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, जो भी पूरा सिस्टम है, जो उसके मूल तत्व हैं, क्योंकि मूल जो है वो हर जगह हर समय मौजूद है, क्योंकि उस पर समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं है मूल पे। यदि हम मूल को जानते हैं तो, और जिस व्यक्ति को उस मूल का रियलाइजेशन है, एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस अलग चीज़ है। एक्सपीरियंस का मतलब हो गया आपकी मेमोरी, मेमोरी की बात नहीं कर रहा मैं रियलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, अंतर्दृष्टि की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अभी लाइट जल रही है तो हर चीज़ दिख रही है ना, तो लाइट किसी मेमोरी का पार्ट नहीं है मगर एक अंतर्दृष्टि है। तो यदि हमारी अंतर्दृष्टि है, मूल मूल की अंतर्दृष्टि है, तो वहाँ से यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो साफ साफ उसको नज़र आ रहा है, वो बोल सकता है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है, या सिर्फ परिवर्तन है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं शर्मा जी से ये प्रश्न ये रखूँ कि जो आशीष शुक्ला जी बोलते हैं मृत्यु क्या है, मृत्यु की परिभाषा देते हुए मालूम पड़ते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, एक मानसिक जगत है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, योगिक साइंस के हिसाब से के आधार पर ये जो भी वो प्रश्न कर रहे हैं, लोग प्रश्न करते हैं उनसे, और ये लोग जो ये जवाब दे रहे हैं इस हिसाब से कहाँ तक ठीक है, और यदि ठीक है या गलत है, जो कुछ भी है, हम ठीक और गलत पर नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं लोगों को कि हम यथार्थ की दृष्टि से हर चीज़ को देखें, न कि किसी को फॉलो करके, किसी कहीं से पढ़ के या सुन के, बिना रियलाइजेशन के उस चीज़ को एक्सप्लेन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो शर्मा जी, योगी साइंस के हिसाब से आप मृत्यु को, और मृत्यु है क्या, और मृत्यु के बाद की क्या स्थितियां होती हैं, है ना, तो इसके बारे में कुछ बताइए। इसमें योगिक योगिक साइंस जो है, जिस पे हमने कई एपिसोड पहले भी बनाए हैं, तो वो शायद लोगों को समझ नहीं आए होंगे या उन्होंने देखे नहीं होंगे, मगर हमने अभी जब हमें ये बात पता चली कि आशीष शुक्ला जी इस मृत्यु के बारे में इस तरीके की बातें बताते हैं, जानते हैं, तो ऐसा महसूस करता हूँ कि शायद वो दोनों दुनियाओं में रहते होंगे, मर के देख भी लेते होंगे और जीवन होके बता भी देते होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कर लेते होंगे, ऐसा योगिक साइंस में संभव नहीं है, क्योंकि किस कोई भी जो जीवाणु है, जो कोई एनर्जी है, या आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, जो मैंने तीन स्थिति हमेशा बताई हैं, अगर तीन स्थिति उनको देखें तो वो ज्यों की त्यों हैं और कार्यरत हैं, सभी तीनों की तीनी कार्यरत हैं, कार्य अभी तक उन्होंने कोई भी पूर्ण नहीं किया है, हुआ ही नहीं है, कार्य कर तो कर प्रतीत होती हैं कि कार्य कर रही हैं, मगर कार्य वहाँ जीरो है, स्टार्टिंग उनकी जीरो है, और उनका रिजल्ट भी, परिणाम भी उनका जीरो ही है, हुआ कुछ नहीं है। अच्छा जी, जैसे जो हम बात कर रहे हैं तीन तत्वों की, है ना, तीन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि साइंस में जो जिस पे कि हम चर्चा करते हैं अक्सर, तो मैं सिर्फ आशीष शुक्ला जी को और उनको जो सुनने वाले लोग हैं और भी जो दर्शक हैं उनको मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि ये जो हमारे तीन सिद्धांत हैं योगिक साइंस के, हाँ, जो तीन तत्व हैं, मूल तत्व, वो हैं क्या एक्चुअली? देखिए, जो मूल में, मूल का मतलब होता है जिस पे जो हमेशा है ना, ना तो वो बना है, ना तो किसी ने बनाया है उसको, नहीं, ना उसका कोई बिगाड़ सकता है, नहीं, ठीक है, वो हमेशा है, उस पे समय और स्थान का कोई प्रभाव नहीं, नहीं होता, कुछ नहीं। तो उसको हम मूल कह रहे हैं। मूल में तीन स्थितियां हमेशा मौजूद हैं, वो तीन जो स्थिति है वो हम उसको तीन मूल तत्व बोलते हैं, वो मूल तत्व तो हमेशा मौजूद हैं, और उन तीनों का एक सिस्टम है, यानी कि वो अलग अलग नहीं है, तीनों का एक सिस्टम में है, एक साथ है। वो एक है जो प्योर शुद्ध चेतन है, जिसमें शब्द, शक्ति और प्रकाश है, शुद्ध चेतन,
वो हमेशा है, और मूल प्रकृति जो प्रकृति है, ये दो तत्व हमेशा मूल तत्व है, ये अंडाकार अंडाकार है, मूल तत्व है दो ये, और इनके प्रभाव से कह लीजिए, इनके संयोग से प्रकृति में जो जीवात्मा है अंदर में, अनगिनत जीवात्माएं हैं, ये जो तीन का सिस्टम है वो हमेशा है, और यही तीन का सिस्टम मूल में तो है ही। मूल के यदि हम बाहर जाते हैं, जब हम काल्पनिक जगत में जाते हैं, तो काल्पनिक जगत में ही यही सिस्टम आता है, मगर वो कल्पना में है सारी चीजें, चाहे वो काल्पनिक हो या मूल में आ जाइए, सिस्टम वही है। तो इसीलिए हम जब भी योगिक साइंस की बात करते हैं तो इन तीन जो मूल सिद्धांत हैं, जो मूल तत्व हैं, इनको ध्यान में रख के ही सब कुछ करते हैं, और यहीं से सारी चीजें एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि मृत्यु हो या जीवन हो या परिवर्तन हो, आत्मा हो या परमात्मा हो, प्रकृति हो, जो कुछ भी होता है। तो मैं यही बताना चाहता था कि जो हम जब भी शर्मा जी हम बोलते हैं कि तीन सिद्धांत या तीन मूल तत्व, तो इसका मतलब यही है कि चेतन तत्व, प्रकृति तत्व, मूल प्रकृति, मूल चेतन, और इन दोनों के संयोग से बनी हुई ढेर सारी अनगिनत आत्माएं, ठीक है, जिसको कि मीन्स वो बस अनगिनत है, गिनती में नहीं है। हाँ, और वो गिनती में ऊपर नीचे वो अंदर निराकार से साकार, साकार में निराकार, तरल में हार्ड में, और वो परिवर्तन कर रही है, परिवर्तन कर रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, अंदर जा रही है बाहर आ रही है, बस वो कार्यरत है, इसलिए पूरे प्रकृति का सिस्टम। हाँ, वो कार्यरत है, और कार्यरत इसलिए है क्योंकि ऊपर जो उनके बाहर अंडाकार जो एक उससे भी तो एक सिस्टम तेज गति का है, तो वो वहाँ पे जब रनिंग करता है, गिरता है फिर बाहर उठता है, तो उसमें गति भी है, प्रकाश भी है, साउंड आवाज भी है उसके अंदर, आवाज भी है, तो वो सिस्टम जो एक सूक्ष्म में है, वही जब काल्पनिक में जब वो व्यापक होता है तो वो सब जगह होता है। कल्पना जिसे हम उसे कहते हैं जहाँ सामूहिक चीज़ें हैं, हम उसे कल्पना बोल रहे हैं, हम उसे कल्पना बोलते हैं, और जब उन सामूहिक अंडों के एक अंडों का झुंड में हमारा ये पिंड बनता है या किसी चीज़ का भी, तो पिंड हमने अभी बात कर रहे थे कि ये आध अधूरा ज्ञान है, ये सही ज्ञान नहीं है। पहले तो आप तीन सिद्धांत को और तीन स्थिति को पहले स्पष्ट कीजिए कि इस कंप्लीट ब्रह्मांड में तीन अंडों के समूहों के तीन बड़े भागों में बटे हुए हैं, तीन भागों में वो हैं, तो तीन भागों में उस सूक्ष्म में भी जो है, जो सूक्ष्म है जहाँ हम आत्मा परमात्मा जीवात्मा की बात करते हैं, उसमें भी यही गति है। इस ब्रह्मांड के जो एक हिस्से में, उसमें भी यही गति है कि वो वहाँ पर एक सॉफ्ट, एक हल्कापन है, और एक तरल है जहाँ तरल में वो डूब रही हैं, हल्के में वो स्पष्ट हो रही हैं, और तरल में डूब रही, और हार्ड में जा कर के वो दिखाई नहीं दे रही हैं। मगर इनका हम अगर दूसरी तरीके से देखें तो एक देखिए, एक कम भार वाली है स्थिति है, एक भार वाली स्थिति है जिसका वजन होता है, और एक अधिक वजन होता है, उसमें एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ इन तीनों का भार नहीं होता है। तो वहाँ हम तीन के सिद्धांत को अगर हम हट जाएं और किसी बात को जन्म या मृत्यु या जीवन की हम बात करें, तो शायद हमारे ख्याल ये ना समझी वाली बात होगी, क्योंकि तीन सिद्धांत में जो सूक्ष्म में जो एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आवाज़ और प्रकाश है, अभी यहाँ हम बिंदु की बात करें, बिल्कुल ऐसे सूक्ष्म बिंदु की जहाँ पर किसी तरीके का कोई निर्माण नहीं है, वही चीज़ है, वहाँ साउंड है, आवाज़ है, वहाँ पर ऐसी अंडे के अंदर जीवात्माएँ हैं, बाहर से उसका नियंत्रण हो रही है, तो साउंड और प्रकाश से नियंत्रण हो रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जो सिस्टम हो रहा है, जो वैसे ही सिस्टम से जो सामूहिक बन रहे हैं, अगर कोई सामूहिक चीज़ अगर अपने सामूहिक को जिस नेगेटिव पॉजिटिव से उसने क्रिएट किया और उसके घनत्व से उसने क्रिएट किया, और वो उसको अगर अलग अलग कर देती है, संधि विच्छेद कर देती, तो उसको मौत कहते हो। ये तो परिवर्तन है, ये तो बदलाव है। किसका बदलाव? सामूहिक होना और सामूहिक से व्यापक होना। या आप ये रख लीजिए कि जब हम सामूहिक थे
उसका एक केंद्रीय स्थान है, एक केंद्रित बिंदु है, उस केंद्रीय बिंदु में सब कुछ होता है। जब केंद्रीय बिंदु सामूहिक होकर के रहता है तो उसकी मध्य स्थिति है, जब वो नहीं रहता है तो उसकी एक व्यापक स्थिति है। तो जब व्यापक स्थिति में रहता है, जैसे एक समुद्र की एक बूंद है, उसमें पूरा एक बूंद में समुद्र स्थापित है, मगर वो समुद्र स्थापित है अभी हो नहीं सकता, यहाँ बूंद के अंदर नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। अभी उसको या तो अपना अस्तित्व खोना होगा और खो करके अस्तित्व समुद्र में जाना होगा, फिर बताना होगा कि देखो मैं समुद्र हूँ। उसकी स्थिति प्राकृतिक में भी हो सकती है और सीधे भी हो सकती है। तो और अगर समुद्र में जाएगी तब समुद्र कहलाएगी, बिंदु में तो बिंदु, अगर हम केंद्र में हैं और केंद्र बिंदु हैं तो हमें एक ऐसी स्थिति है कि हम अपने एक स्थिति में बदलाव करते हैं, उस बदलाव को हम मृत्यु कहते हो। वहाँ अगर आप ये कहते हो कि नहीं जी हमने यहाँ पे स्वप्न की प्रक्रिया होती, यहाँ मानसिक जगत होता, यहाँ ये जगत होता, यहाँ ये, तो संसार नाना प्रकार है। अगर इस पर बैठ के आप बात करो, कितने जगत जानते हो आप, कितने जगत आप जानते हो, कितनी मानसिकता, कितनी बुद्धि जानते हो। अरे भाई मेरे एक बार सामने तो बैठो, हमसे थोड़ा बैठ करके एक विचार विमर्श करो कि कितने बुद्धि चाहिए आपको, कितने प्रकार की बुद्धि चाहिए, कितना आपको जगत चाहिए, कितने आपको जगत की आप जानते हो। एक बार बैठ के बात करो, ये संसार नाना प्रकार है। आप एक 5 फुट के आदमी हो, एक 100 ग्राम का आपने माइंड ले लिया है, इस ब्रह्मांड में बड़े बड़े तेज तो रमखा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सीनियर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ जानी जान नहीं हो, मगर केंद्र बिंदु में ऐसी स्थिति ऊपर वाले से दया करो, और ऊपर वाला नहीं इस प्राकृतिक से दया करो, जो प्राकृतिक इस चीज़ को लाती है, इस कंप्लीट प्राकृतिक को। मैं ऊपर वाला भगवान या जो कुछ कहो या एनर्जी जो कुछ कहो, मैं उसे मानता हूँ। अगर तो उसे जिसे मानते हो ऐसी चीज मान करके अगर आप कृपा करो कि आपके ऊपर कहीं वो अंदर से प्रकट हो जाए, ताकि आपकी कम से कम ज्ञान की दृष्टि तो सही हो जाए कि आप किसी को कोई बात बताओ तो सही तो जाए, संदेश सही जाए। तो आप क्या योगा कराते हैं, क्या ध्यान कराते हैं? ध्यान करने से, योगा करने से अगर लोग हैं तो रामदेव बाबा को आत्मज्ञानी होना चाहिए था, सबसे बढ़िया योगा करते। और ध्यान करने वाले कई लोग ऐसे लोग हैं जो 6-6 महीने ध्यान करते हैं, उनको होना चाहिए। ये चीज होने के लिए सबसे एक दिन एक एपिसोड में मैंने ये कहा था कि इसमें शरणागति, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना ही, अगर सब चीज़ें आपने स्वीकार कर ली हैं और किसी का विरोध नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि पूरी प्राकृतिक आपके ऊपर मेहरबान है, और पूरी प्राकृतिक ही भगवान है, और वो मेहरबान होगी तब ये संभव हो पाएगा। और इसमें अगर विरोध है आपका किसी का, ये साधना बहुत लोग करते हैं, मैं गोभी खाता हूँ अंडे नहीं खाता, तो अंडे से विरोध और गोभी से प्यार, तो कहाँ से कैसे करोगे आप मुझे समझाओ, या गुप्ता जी, ये जो आशीष शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी थोड़ा मुझे समझाएं कि इस तरीके से हम कर लेंगे, आप मुझे बताओ। और मेरे तरीके से अगर आप जाते हो तो देखो, करके देखो आप एक बार, तब आपको थोड़ा सा पता चले कि ये किस तरीके से होता है। तो एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत आप सिस्टम को जानते नहीं, आप बहुत सारी बातें करते हो, तो इन पे हम आप टिप्पणी नहीं कोई करना चाहते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि शायद आप जो संदेश दे रहे हैं, जो आध्यात्मिक बता रहे हैं, वो एकमात्र मनोरंजन है, और मनोरंजन कभी भी आपको यथा स्थिति में नहीं ले जा सकता। ये यथा स्थिति में ले जाने के लिए पूरा कंप्लीट ब्रह्मांड आपके ऊपर जितनी प्राकृतिक है वो सब की सब या आपको हावी हो जाए, और हावी होकर के आप प्रतिरोध में उसका जवाब ना दें, बस तब समझ लो कि अब आपका टाइम बहुत नज़दीक आ गया है। तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम के अंतर्गत नहीं ये कुछ भी बता रहे हैं, मगर इस एपिसोड में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, अधिक बात ना करके मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने ये मृत्यु के बारे में, हम इसे बदलाव कहते हैं, तो जो हमेशा प्राकृतिक चेंज होती है, इसमें निश्चित सुनिश्चित ये नहीं, इसका कोई महत्व नहीं है ना, जो चीज़ होना है प्रत्यक्ष
आपके प्रत्यक्ष क्या है, वो चाहती आपसे क्या है, आप उसके अनुरूप काम करिए। वो जो चाहती है पहले आप उसको पूर्ण करिए, उसके बाद में आप सत्संग करिए, उसके बाद में आप सारा व्याख्या करिए, तब आपको कुछ लगेगा कि आपने कुछ हासिल किया है। इतने फॉलोअर हो जाना या इतने हो जाना, कोई मनोरंजन होना, अलग अलग टिप्पणियाँ होना, ये मेरे हिसाब से उनके लिए अच्छा होगा, मगर मेरे विचार से मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। मगर मैं अभी सत्येंद्र के साथ बैठा हूँ इसलिए ठीक है। जो संदेश मतलब अधकचरा ज्ञान जिसे बोलते हैं, अधकचरा ज्ञान जैसे बहुत सारी कहानियाँ बता देना, अधकचरा ज्ञान किसी चीज़ का ज्ञान ना, से यथार्थ ज्ञान ना रखना, उनको बहका देना और उनको बहका करके अपने पाले में रख लेना, ये तरीका सही नहीं है, मैं नहीं पसंद करता इसे। इसलिए मैं इसी एपिसोड में यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे और वाले हैं इस पर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं एपिसोड, आप मेरे एपिसोड देख करके शायद आपको एक नया रास्ता मिलेगा, और नए रास्ते से आपको एक नया रास्ता मिलने के बाद शायद मंजिल मैं नहीं बताऊंगा, मंजिल नहीं बताऊंगा, अगर मंजिल बता दी तो मंजिल को कहीं रास्ते में समझ करके रुकना ठीक नहीं है। इसलिए मंजिल आप तय करो और जाओ, देखो कहाँ तक पहुँचते हो। तो मैं इस विषय में यही कहूँगा कि आप मेरे एपिसोड और भी हैं, आप उन एपिसोड देखिए, और शुक्ला जी को, आशीष शुक्ला जी को मेरा संदेश है कि शायद मेरे इस एपिसोड को देख करके, और वो आशीष शुक्ला जी शायद मेरे से इस मौत के बारे में थोड़ी व्याख्या बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे कि मरना किसे कहते हो, कहाँ कहाँ आप गए, कहाँ कहाँ आप नहीं गए, कौन सी जगत आपसे छूट गए। हम तो बहुत सारे जगत जानते हैं, मगर आपसे कौन से जगत छूट गए और किसी में नहीं गए, शायद एक बार आप सामने बैठेंगे मैं आपको और जगत बता दूंगा। जगतों की कमी नहीं है, ब्रह्मांडों की कमी नहीं है, सौर मंडलों की कमी नहीं है, आकाश गंगाओं की कमी नहीं है, किसी भी केंद्रित नहीं। अभी तो आपको यही पता नहीं है कि इस ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं हैं, यही सिस्टम पता नहीं है। क्या किस विषय पे आप बात करो, सौर मंडलों का आपका ज्ञान नहीं। साइंस वालों से जाके आप पूछिए कि कहाँ तक हद है। आध्यात्मिक वाला एक ऐसा आदमी होता है जो पूरे ब्रह्मांड की सफर करता है और पूरे ब्रह्मांड का अनुभव रखता है, अनुमान नहीं, अनुभव रखता है। तो ये जो सिस्टम है, और पूरा ब्रह्मांड अपने में एक अंडा का है। अभी ब्रह्मांड एक बड़ी चीज़ है, जब हम अंदर से देख रहे हैं, जब इसी ब्रह्मांड को हम बाहर से देखते हैं तो ये हमारे लिए सूक्ष्म हो जाता है और ये अंडाकार हो जाता है, और इस अंडाकार का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि वो सूक्ष्म है। हम एक ऐसी एनर्जी, हम ऐसे ऐसी ताकत हैं कि हम ब्रह्मांड के बाहर हैं, हम बाहर से इसको देख रहे हैं। इसलिए औकात जब तक किसी की होती है जब हम उसके अंदर होते हैं, जब हम बाहर उसे बाहर से देखते हैं, जब हमसे जब हम किसी चीज़ को बाहर से देखते हैं तो हम अपने को बड़ा देख, बड़ा हमारी ये कुदरती देन है कि हम बड़ा अपने को देख करके, जैसे हम इस कंप्यूटर को देख रहे हैं, इसको हम बाहर से देख रहे हैं, हमारे लिए कंप्यूटर छोटी चीज़ है, हम इससे महान हैं। हम इस बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो हमारे कई फुट को और कई एकड़ में बनी है, मगर हम इस जानते हैं कि हम बिल्डिंग को बना देंगे और ये बिल्डिंग हमसे ही निर्माण होती है, तो उसकी औकात खत्म हो जाती है। इस ब्रह्मांड की औकात जब तक है, इसका महत्व जब तक है, जब तक आप इसके अंदर हैं। थोड़ा बाहर ऐसी कोई युक्ति भिड़ाइए कि आप बाहर जाइए और इसमें अपना ज्ञान अनुभव प्राप्त करिए, और अनुभव प्राप्त करके आप बिल्कुल चाहे एपिसोड बनाएं चाहे ना बनाएं, आपके कोई दबाव नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आशीष शुक्ला जी ज़रूर इसको सुनेंगे और सुन के हमसे हो सकता है मिलना भी चाहें, ठीक है, बात भी करना चाहें, ठीक है, चाहे एपिसोड के जरिए या फिर डायरेक्ट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फोन नंबर आप बताइए अपना। फ़ोन नंबर तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, फिर भी एक बार सुनने वाले के लिए बता दीजिए। हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9909081 6780। आपका फ़ोन नंबर 9899767878। तो ये हमारा फ़ोन नंबर है और हम भी चाहेंगे कि आशीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ें, हम भी अपनी बातें शेयर करें, और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों तक यथार्थ चीज़ पहुँचे, यथार्थ ज्ञान पहुँचे, कुछ काल्पनिक ना पहुँचे, किसी की कुछ पढ़ी हुई, चाहे आप साधना कर रहे हो या साधना सीखी हो, ठीक है, तो वो भी यथार्थ का मतलब होता है कि आपके अंदर से आपका स्व अनुभव होना चाहिए,
ठीक है, तो उस रोशनी से यदि कुछ निकल रही है चीज, तो मेरे ख्याल सटीक होगी और यथार्थ होगी। तो हमारा यही है उद्देश्य और कुछ नहीं। उम्मीद है कि आप जरूर इसको देखोगे और उस पर ध्यान दोगे। नमस्कार।